Before, as you can see here, guys, if you see here, her hair is very frizzy and unruly, and here I'm using best Botox, and here you can see the result is amazing. So guys, basically today I'm gonna teach you Botox treatment step by step. जी हाँ, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि Botox treatment आप करते कैसे हैं. बहुत ही आसान है, तो सीखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि Botox treatment को करते कैसे. तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ. सो गाइज, एज यू कैन सी हियर, बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन सच अमेजिंग. दिस प्रोडक्ट इज रियली अमेजिंग फॉर फ्रीजी एंड अनरूली हेयर. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे करना है पीएच बैलेंस के साथ शैम्पू, जो कि है जीके का. आज हम बोटॉक्स करने वाले हैं, जिसमें है जो वैक्सीन. जो वैक्सीन गेट्स फ्रॉम शीप वुल. इसकी टेक्नोलॉजी में जो है, जो वैक्सीन है, शीप वुल से निकाला गया प्रोडक्ट है. बहुत ही हेल्दी रहता है बालों के लिए. तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेयर वॉश कर रहे हैं. हिज नेम इज़ डेविड, ही इज जस्ट वॉशिंग द हेयर. वॉश जब भी करना है, कोशिश कीजिएगा दो बार आपने वॉश करना है. सेकेंड टाइम जो है फोम को बनाए रखना है. और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं जीके का बेस्ट बोटॉक्स प्रोडक्ट, जो हम यहाँ पे एप्लीकेशन करने वाले हैं. यहाँ पे हमने प्रोडक्ट निकाल लिया है. सेक्शन ही करना है, रेडियल सेक्शन, प्रोफाइल सेक्शन, रेडियल सेक्शन, दो पार्ट में डिवाइड करना है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो यहाँ पे हमने सेक्शनिंग करना है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है, और हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेते हुए आपने सारा अच्छे से एप्लीकेशन करना है. तो मेक श्योर गाइस, जब कभी भी आप प्रोडक्ट एप्लीकेशन करते हो, अगर आप देखोगे हेयर ना पूरा ड्राई है, जो मैंने बोला था डेविड को कि ड्राई करना है, तो ही जस्ट ड्राई कम्प्लीटली. अभी हमने जब भी प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना है, 20% हेयर जो है आपका ड्राई होना चाहिए. बाकी 80% बालों, गीले बालों में आप एप्लीकेशन करोगे, राइट? हमेशा ध्यान रखना है, 80% गीले बालों में ही आपने एप्लीकेशन करना है प्रोडक्ट को. कभी भी आप एप्लीकेशन करते हो तो जो है हेयर स्लिपरी होना चाहिए. 80% हेयर में, 80% गीले बालों में आपने एप्लीकेशन करना है. तो जब भी कभी भी आप एप्लीकेशन करते हो, तो मेक श्योर आपने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है, पतला पतला सेक्शन लेना है और एप्लीकेशन करना है. Also, if you are looking for best hair treatment, best treatment, if you are also looking for dry, damaged hair, please contact. My contact number is 9871369576. अगर आप लोग भी ये treatment कराने के लिए सोच रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि आपका hair भी frizzy है, unruly है, curly है, तो ज़रूर मुझे contact कीजिएगा. Already मेरा mention है number, अगर आप screen पे देखेंगे या right hand side आप में 9871369576 आप लोग कॉल कीजिए ट्रीटमेंट के लिए. और बताना चाहती हूँ गाइस, बहुत ही जल्दी हमारी इसी मंथ से 20th के बाद से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे मैं 7 बैच स्टार्ट करूँगी. और वहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाऊँगी कि हेयर कलर कैसे करते हैं, और हेयर कलर का थ्योरी प्रैक्टिकल सारा स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी प्रॉपर सिखाई जाएगी क्लास में. क्लास के दौरान जूम में क्लास होगी, और मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट रहूँगी. आपका कोई भी क्वेश्चंस होगा, कोई भी डाउट होगा, तो आई विल बी देयर फॉर यू, ऑल ऑफ यू. सो मेक श्योर गाइज, आप लोग ज्वाइन कीजिए क्लास, क्योंकि ये इस साल का फर्स्ट बैच है. वैसे 7 बैच है, पर इस साल का फर्स्ट बैच है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा. यू आर गोना लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस क्लास, रियली मे गाइज, इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. तो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा, पहले लेफ्ट सेक्शन कंप्लीट करूँगी, फिर राइट सेक्शन बैक में, फिर फ्रंट का लेफ्ट, फिर फ्रंट का राइट. देखते रहिएगा लास्ट तक. सो अगर आप ध्यान से देखते हो, जब भी मैं प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर रही हूँ, साथ ही साथ कॉम भी कर रही हूँ, क्योंकि ड्राई हेयर पे प्रोडक्ट अच्छे से एप्लीकेशन नहीं होता. इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ
कि 80% आपका वेट होना चाहिए है और 20% बाल जो है ड्राई होगा, कोई नो वरीज, बट पूरा ड्राई नहीं करना बालों को, वेट हेयर पे ही एप्लीकेशन करना है। तो इसी तरह क्लाइंट का राइट सेक्शन फिर लेफ्ट सेक्शन आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। सो गाइज, आफ्टर एप्लीकेशन ऑल द प्रोडक्ट यू हैव टू कॉम बैक। जी हाँ, सारे बालों को आपने कॉम करना है बैक में ले जाके। जो भी प्रोडक्ट्स है उसको मिल्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। सो मेक श्योर लास्टली यू हैव टू कॉम प्रॉपरली। सारे बालों पे कल प्रोडक्ट्स लगना बहुत ज़रूरी है। मैं कलर बोल रही थी क्योंकि हैबिचुअल हो गई हूँ कलर कलर सिखाते सिखाते। जी हाँ, सारे बालों में प्रोडक्ट्स को एप्लीकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पुट शार कैप। लगाने के बाद आपने 30 मिनट्स यू हैव टू वेट एंड देन यू हैव टू डू ड्राई। जब आप अच्छे से ड्राई करेंगे, ब्लो ड्राई करेंगे, आप ब्रश लेते हुए ब्लो ड्राई करना है आपने। और जब आप ब्लो ड्राई करते हो तो कोशिश कीजिएगा हेयर जो है थोड़ा सा वेट रहना चाहिए, कंप्लीट ड्राई नहीं करना, कंप्लीट ब्लो ड्राई नहीं करना है। जब कभी भी आप आयनिंग करते हो, आयनिंग के लिए आपको एटलीस्ट मैं एडवाइस करूँगी कि 50-60% बाल थोड़ा सा वेट रहना चाहिए, प्रोडक्ट बालों में 50-60% रहना चाहिए। उसके ऊपर अगर आप आयनिंग करते हो तो अच्छे से आयनिंग के साथ पेनिट्रेट होता है प्रोडक्ट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं ब्लो ड्राई कर रही हूँ स्ट्रेट, बट प्रोडक्ट फिर भी बालों में रहना चाहिए। एकदम से अगर प्रोडक्ट निकल जाएगा बाहर तो फिर आयनिंग के साथ आप कैसे इसको डिपॉजिट करोगे। तो कोशिश करना हमेशा जब कभी भी आप ड्राई करते हो तो मेक श्योर प्रोडक्ट्स रहना चाहिए बालों में, राइट। सो हियर यू कैन सी आफ्टर कम्प्लीट ब्लो ड्राई यहाँ पे मैं आयनिंग कर रही हूँ। जी हाँ, जब मैं आयनिंग करूँगी, एक्चुअली शी इज़ माई कलीग, शी इज़ हेल्पिंग मी फॉर आयनिंग, हर नेम इज़ लक्ष्मी, शी इज़ डूइंग अ नाइस आयनिंग। तो मैंने कहा चलो आयनिंग तुम करो क्योंकि आई वॉज जस्ट हैंडलिंग द अनदर क्लाइंट, मेरी दूसरी क्लाइंट भी आ गई थी, शी वॉज डूइंग अ नाइसली आयनिंग, अच्छे से आयनिंग कर रही हैं वो। सो यहाँ पे जब आप ध्यान दोगे, जब कभी भी आयनिंग करते हो तो प्रोडक्ट फिर भी बालों में है, फ्यूम अगर निकलता है इट मीन्स कि प्रोडक्ट बालों में, अगर फ्यूम नहीं निकल रहा इट मीन्स कि प्रोडक्ट जो है बालों में नहीं है। तो यहाँ पे शी इज़ डूइंग आयनिंग, सो यस, तो कम्प्लीटली अच्छे से आपने आयनिंग करना है। और आयनिंग के वक्त आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, पतला पतला सेक्शन लेना है आयनिंग में, ये नहीं कि मोटा मोटा सेक्शन लेना है, ना ना बिल्कुल भी नहीं। हमेशा जितना पतला सेक्शन लोगे उतना ही रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और इस तरह से कंप्लीट करना है आपने बैक साइड में, फिर फ्रंट साइड में। और आयनिंग के बाद देखते रहेगा, अभी एक स्टेप और है और मैं दिखाऊंगी विदाउट आयनिंग भी ब्लो ड्राई, आई मीन लाइक विदाउट यू नो ड्राई, मतलब पूरा कंप्लीट ड्राई के बाद भी आप रिज़ल्ट देख पाओगे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हमने आयनिंग कर दिया है, कंप्लीट हो चुका है हमारा आयनिंग। अब हम जाते हैं शैम्पू स्टेशन में क्लाइंट को लेके, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी बैलेंसिंग कंडीशनर जीके का ही। हम लोग इन बालों को रिंस करेंगे, शैम्पू नहीं करना हमको जब हम बोटॉक्स करते हैं। तो जी हाँ, रिंस करने वाले यहाँ पे देखोगे ये है विदाउट ब्लो ड्राई, ये हमने वॉश किया, रिंस किया, कंडीशनर लगाया, ये है इनका रिजल्ट विदाउट एनी ब्लो ड्राई। सो नाउ यू कैन सी दिस इज़ बिफोर, ये था इनका बिफोर, और देखते हैं इनका आफ्टर रिजल्ट। जब हम देखते हैं ध्यान से बेस्ट बोटॉक्स यूज़ करने के बाद ये रहा इनका आफ्टर रिजल्ट। तो कैसा लगा गाइज आपको ये ट्यूटोरियल, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में विजिट किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, और हाँ ऑल ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट कर दीजिएगा। बताना चाहती हूँ गाइज, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारे लोग हैं बिगनर्स हैं जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट को सीखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं,
वो लोग भी देखें, सीखें, ग्रो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।